नमस्कार एंड वेलकम टू जेजल्स। क्या मारा गया नेतन्याहू का दाहिना हाथ? हमास के चक्करव्यूह में बुरी तरह फंसा इजराइल। फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिका ने लगा दी लंबी छलांग। इजराइल की बर्बादी देख मुस्लिम देशों ने बजा दी हमास की जीत का डंका। हमास ने इजरायली सैनिकों की बिछा दी लाशें। धू धू कर जल रहे हैं इजरायली टैंक। हिजबुल्ला और हूती ने मिलकर किया इजराइल को तबाह। मिलने लगी है फिलिस्तीन की जीत के सबूत। लगभग 10,000 सैनिकों की मौत के बाद कंगाली के हालत में पहुंचा इजराइल। क्रिसमस से पहले हो सकता है इजराइल का खात्मा। युद्ध विराम ना करके अब पछताने लगा इजराइल। हार से बौखलाने लगे नेतन्याहू। पूरी दुनिया ने छोड़ा इजराइल का साथ। दोस्तों, इजराइल के लिए अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। जब तक इजराइल आसमान से बमबारी कर रहा था, तब तक उसके सैनिक सुरक्षित थे। लेकिन जैसे ही इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, वैसे ही कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के कान खड़े कर चुकी है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि इजराइल लगातार अपने सैनिकों के मारे जाने की संख्या छुपा रहा है और गलत नंबर पेश कर रहा है। लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से सोशल मीडिया पर जो खुलासे हो रहे हैं, उसके अनुसार हर घंटे इजराइल के एक सैनिक मारा जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें इजरायली सैनिकों की लाशों का सैलाब साफ देखा जा सकता है। फिलिस्तीन और उसके समर्थकों ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर इजराइल के झूठ की पोल खोल दी है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर हमास का कहर टूट पड़ा, इजरायली सैनिकों से भरा ट्रक उड़ा। इतनी भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे हम स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। इजराइल की तरफ से ये अफवाह फैलाई गई थी कि हमास के सारे हथियार खत्म हो गए और अब इजराइल जीत जाएगा। लेकिन इसी बीच हमास ने इजराइल के कई टॉप कमांडरों को ढेर कर दिया, जिसमें कुछ नेतन्याहू के दाहिने हाथ भी बताए जा रहे हैं। आकाश से लेकर पाताल तक इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है। हमास इजराइल को टनल में मार रहा है, वहीं हिजबुल्ला और हूती ने आसमान में इजराइल के छक्के छुड़ा दिए। इजराइल का मानना है कि उसके तकरीबन 3,000 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन हमास द्वारा वीडियो जारी करके ये आंकड़ा 10,000 का बताया जा रहा है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलकर उसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह तबाह कर दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि इजराइल की तकरीबन 33% अर्थव्यवस्था मिट्टी में मिल गई। फ्रांसीसी पॉप के साथ साथ कमला हैरिस, सभी बड़े दिग्गज नेता फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। अब धीरे धीरे इजराइल का सच सामने आ रहा है। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू अब समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर इजराइल का अस्तित्व ही क्रिसमस से पहले खत्म हो सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले अब अमेरिका भी भारी दबाव के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में नजर आ रहा है। ये भी माना जा रहा है कि हमास ने हिजबुल्ला के साथ मिलकर इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया है। हमास ने इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया। इजराइल हमास को कुचलने ही जा रहा था, फिर कुछ ऐसा हुआ कि देखती रह गई पूरी दुनिया। इजराइल के मरकवा टैंक भी हमास के लड़ाकों के आगे बेअसर साबित हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इजराइल काफी कुछ खो चुका है। ग्राउंड ऑपरेशन के मामले में हमास को हरा पाना उसके लिए बेहद कठिन टास्क माना जा रहा है। आखिरी समय में हमास किस तरह से पलट रहा है सारी बाजी, कैसे बदल गया सारा खेल, क्या है हमास का असली प्लान जिसके आगे ढेर हो रहा है इजराइल, कैसे इजराइल की सबसे बड़ी ताकत को एक एक करके खत्म कर रहा है हमास। आइए जानते हैं हमास की सबसे बड़ी प्लानिंग। दोस्तों, हमास की स्पेशल ब्रिगेड ने गाजा में कदम कदम पर मौत का जाल बिछा दिया है। इस जाल में फंसकर इजरायली सैनिकों की मौत हो रही है। युद्ध में नुकसान एक तरफा नहीं होता और गाजा में भी यही हो रहा है। इजरायली सेना के जवान गाजा की गलियों में राइफल लिए हमास के लड़ाकों को शिकार करने निकल चुके हैं। लेकिन सिर्फ हमास के ठिकाने ही नष्ट नहीं हो रहे, हमास के ठिकाने नष्ट करने की कोशिश में इजरायली सेना के जवानों को भी जान गंवानी पड़ रही है, क्योंकि हमास ने आईडीएफ के खिलाफ बड़ी घेराबंदी की है, क्योंकि हमास के लड़ाके घात लगाकर इजरायली फौज पर हमले कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों पीछे नहीं हट रहा इजरायल? दुनिया भर के दबाव के बाद भी इजराइल युद्ध विराम के लिए नहीं मान रहा है। जानकारों के मुताबिक इजराइल इस वक्त जंग जीतने के काफी करीब है। ऐसे में अगर युद्ध विराम होता है तो हमास को वापस इकट्ठा होने का मौका मिल जाएगा। इजराइल का दावा है कि वो हमास के कई स्ट्रक्चर्स को तबाह कर चुका है। माना जाता है कि हमास ने RPG-7 राउंड के साथ टैंक पर बमबारी करने के लिए एक सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हमास के अनुसार उसने इजराइल के लगभग 10% टैंक बेड़े को नष्ट कर दिया है। हमास ने ये करतब केवल चंद पैसों के सस्ते हथियारों से किया। इजरायली सेना के पास कुल मिलाकर 500 मरकवा 3 और 4 मॉडल टैंक हैं।
ऐसे में हमास के दावे पर गौर करें तो इसराइल के पास सिर्फ 450 टैंक बचे हैं। इसे दुनिया का सबसे घातक टैंक कहा जाता है। कैसे इसराइल की सबसे बड़ी ताकत को एक एक करके खत्म कर रहा है हमास। दोस्तों, हमास के आतंकवादी इजरायली टैंकों को निशाना बनाने के लिए RPG-7 राउंड का उपयोग कर रहे हैं। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनाइड यानी कि RPG पोर्टेबल एंटी टैंक हथियार है, जो कम दूरी से दागे जाने पर टैंक कवच को भेद सकते हैं। इन्हें अक्सर घात लगाकर हमला करने के लिए उपयोग किया जाता है। हमास के लड़ाके टैंक के काफी करीब पहुंचकर RPG से हमला करते हैं ताकि सफलता की संभावना बढ़ जाए। समय के साथ हमास ने इजरायली टैंकों को निशाना बनाने के लिए बेहतर रणनीति विकसित की है। इसमें ड्रोन का उपयोग शामिल है, जो टैंकों पर बमबारी करने में सक्षम है। ड्रोन टैंकों के मूवमेंट को बाधित करने के लिए IED का इस्तेमाल करते हैं। मरकवा टैंक की कमजोरी क्या है, किस वजह से इस महाबली को भी हमास के आगे धूल फांकनी पड़ रही है। दोस्तों, मरकवा टैंक का वजन 65 टन है और लंबाई 9 मीटर। इसराइल और हमास का युद्ध शहरी परिस्थितियों में ज्यादा होता है। हमास के आतंकवादी शहरों की संकरी गलियों में छिपे होते हैं। ऐसे में उन्हें निशाना बनाने के लिए मरकवा टैंक को भी इन तंग रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान वे घात लगाकर किए जाने वाले हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। मरकवा टैंक भी दुर्जय होते हुए करीब से किए गए हमलों से खुद को बचा नहीं पाते हैं। इसके अलावा हमास के आतंकवादी तंग जगहों पर टैंकों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। इस बार भारत के दोस्त इसराइल को ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसराइल के टैंकों के करीब पहुंचकर IED हमले किए जा रहे हैं। इसराइल के जवानों को ट्रैप में फंसा कर मारा जा रहा है। गाजा की संकरी गलियों में छिपे हमास के लड़ाके घात लगाकर कुछ इस तरह इजरायली सेना के टैंकों को निशाना बना रहे हैं। हमास के लड़ाके टैंक के नजदीक पहुंचकर IED हमले कर रहे हैं। गाजा के ठिकानों में छिपे हमास के लड़ाके मकानों में सर्च ऑपरेशन चलाते इजरायली सेना की टुकड़ी पर RPG से हमला कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि कितनी खतरनाक प्लानिंग है हमास की, कैसे अब हमास मचा रहा है हड़कंप। दोस्तों, हमास ने खान यूनिस में ट्रिपल ट्रैप लगाया है। एक इमारत में सबसे पहले IDF रेड पार्टी फंस गई। फंसे जवानों को बचाने के लिए दूसरी टोली भेजी गई। दूसरी टोली के पहुंचते ही हमास ने धमाका कर दिया। जवानों को रेस्क्यू करने आई IDF की तीसरी टोली पर भी घात लगाकर हमला किया। ट्रिपल ट्रैप हमले में 10 जवानों की मौत हो गई। बीते 48 घंटों में गाजा के अंदर IDF के करीब 50 जवानों की मौत हो चुकी है। इसी के बाद से सबके होश उड़ चुके हैं। इस बात की आशंका पहले ही जताई गई थी कि खान यूनिस में जंग बहुत भयानक होने वाली है, क्योंकि ये हमास का सबसे बड़ा गढ़ है और यहाँ हमास ट्रैप बिछाकर घात लगाकर इसराइल पर हमला करेगा। हमास के लड़ाके गाजा में कई तरह के ट्रैप का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।